हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति। तो आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा मेकअप लेके आई हूँ। तो देखिए, मैंने फर्स्ट इसका CTM किया, वो था गुड वाइब्स का रोज़ ग्लो टोनर। मैंने उसको स्प्रे किया, देन एब्जॉर्ब होने के बाद फिर मैंने यूज़ किया है प्लम का मॉइस्चराइज़र। ये जो है इनका स्किन ड्राई है, तो मुझे लगा कि कुछ और भी इसके साथ यूज़ करना चाहिए। तो फिर देन मैंने उसके बाद यूज़ किया है गुड वाइब्स का ही है आलमंड ऑयल है गुड वाइब्स का, तो एज ए सीरम ये रहता है। तो मैंने उसको यूज़ किया क्योंकि इनका जो फेस है वो बहुत ही ड्राई है, तो मैंने यूज़ किया। अब मैं इसको अच्छे से मसाज करके एब्जॉर्ब कर दूँगी क्योंकि इनका स्किन जो है काफ़ी ड्राई है। तो मैं अच्छे से मसाज कर दूंगी इनके फेस पे, एब्जॉर्ब कर दूंगी। देख सकते हैं आप लोग, मैं बहुत दिन बाद आज ये वीडियो लेके आई हूँ। एक्चुअली मेरा आप लोग बैकग्राउंड भी देखेंगे तो चेंज था, मैं अपने मायके चली गई थी तो इसलिए वहाँ वीडियो नहीं कर पा रही थी। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से कर लिया। CTM बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए, मैंने मेबलिन का ले लिया है प्राइमर। ये मैं ब्रो बोन पे और आईब्रो पे मैं अच्छे से लगा दूंगी ताकि जब मैं आई मेकअप करूं तो वो अलग से एकदम अट्रैक्टिव रहे, उभर के दिखे। तो देखिए, मैंने दोनों आईज़ पे लगा लिया। मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देन उसके बाद मैंने लैक्मी का ये लिया कॉम्पैक्ट लगा के मैं कंसीलर को सेट कर लूँगी ताकि कोई क्रीज लाइन ना रहे। तो देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद अब मैं करूँगी इनके आईब्रो को सेट। तो मैंने आईब्रो सेट करने के लिए मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का ये ब्रो किट। इसमें से मैंने ब्राउन शेड लिया है। ब्राउन शेड लेके मैंने इनको आईब्रो का अच्छा शेप दे दिया है। शेप देने के बाद फिर मैं इसमें से लूँगी ब्लैक वाला सेट ताकि अच्छे से इनका शेप आए, अच्छा लगे। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों कर दिया है। ये मैंने लिया है मॉर्फी का आई पैलेट लिया है जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली है। मैं इस पर रिव्यू भी करूँगी बहुत जल्द ही, तो आप लोग देखिएगा क्या है। बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में ये है। इसमें बहुत सारे शेड्स भी मिल जाते हैं। तो ये मैंने हाइलाइटर जैसा होता है, मैंने लेके ब्रो बोन पे मैंने लगा के इनके अच्छे से हाईलाइट कर दिया है ताकि इनकी आँखें जो बहुत ही अच्छी दिखे। और मैंने आई पे भी मैंने एज ए कॉम्पैक्ट एज ए लगा दिया ताकि जो आई मेकअप मैं करूँ जो थोड़ा उभर के आए। ये देखिए, मैंने ले लिया है शेड जो मैंने दिखाया है, लाइट शेड है। मैंने उनके क्रीज पे मैं लगा दी हूँ। मैं वो जैसा है वैसे ही मैं उससे डार्कर ऐसे डार्कर लेके मैं अच्छे से क्रीज में वो कर दूंगी क्योंकि अगर हल्का कलर पहले लगाते तो अच्छे से उभर के नहीं आता है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हल्का ले, फिर उससे जो देखे डार्क है वो लगाएं, फिर उससे डार्क है वो लगाएं। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो रहेगा शेड वो बहुत ही अच्छा उभर के और काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो मैं अच्छे से लेके मुझे जितना चाहिए डिज़ायर कलर चाहिए मैं लेके अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी, इनका क्रीज बना दूंगी अच्छे से। तो मैं अलग अलग उससे डार्कर, देखिए मैंने उससे डार्कर ले लिया। डार्कर लेने के बाद मेरा जो आएगा जो मुझे कलर वो बहुत ही प्यारा और खिल के आएगा। आप लोग अभी थोड़ी देर में देख लीजिएगा, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं बोलूँगी और बाकी देखते रहिएगा आप लोग। ये देख सकते हैं आप लोग, देखिए कितना अच्छा। मैंने बोला इनको कि आप थोड़ा आगे जाके दिखाओ। अब मैंने ये मेबलिन का मैंने कंसीलर ले लिया है, तो मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं अच्छा सा कट क्रीज दे दूंगी पूरी आईज़ पे। मैं हाफ आईज़ नहीं करूँगी, मैं पूरी आईज़ करूँगी। तो मैंने पूरी आईज़ पे मैं अच्छे से लगा दूँगी। अपना मेकअप करना जितना इजी होता है उतना ही हार्ड होता है दूसरे का मेकअप करना, वो भी फर्स्ट टाइम। मैं अपना मेकअप बहुत अच्छे से कर लेती हूँ बट दूसरे का थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो देखिए मैंने किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। आप भी देखिएगा, अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो ज़रूर बताइएगा। तो ये कंसीलर लगाने के बाद मैंने अपने हाथ से उसको थोड़ा सा सेट कर दिया ताकि उसमें भी कोई हार्श लाइन ना रहे, केकी ना दिखे। फिर उसके बाद अब मैं लगा दूंगी, मैंने
आउटर आई पे मैंने ब्लैक शेड लिया था, शायद वीडियो क्लिप डिलीट हो गई या फिर आगे है। फिर ये देखिए मैंने, हाँ देखिए सॉरी, हाँ ये मैं ब्लैक लेके मैं आई के कॉर्नर पे, आउटर कॉर्नर पे मैं थोड़ा सा स्मज कर लूँगी ताकि थोड़ा सा आई अच्छा लगे, स्मोकी थोड़ा सा दिखे। मैं ज़्यादा मैं नहीं लूँगी, थोड़ा सा ही लूँगी, क्योंकि ये जो है इनकी आँखें थोड़ी छोटी हैं तो मैं कुछ ज़्यादा भरना नहीं चाहती थी। आई होप आप लोग को ये मेकअप ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है और वाकई में मुझे ये बहुत प्यारी लग रही थी। मेकअप करने के बाद बहुत प्यारी लग रही थी, ये खुद भी बोल रही थी। और जो फाइनल लुक होगा वो आप देखिएगा विदाउट स्किप किए, रिक्वेस्ट है आप लोग से विदाउट स्किप किए मेरी वीडियोस देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। बहुत लोग होते हैं सब स्किप करके लास्ट देख लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो मेक श्योर उसको लाइक कर दीजिएगा। देखिए मैंने उसी पैलेट से मैंने लिया था गोल्डन, और गोल्डन शेड लेके पहले मैंने ब्रश लगा दिया था, देन उसके बाद में ये मिस रोज़ का मैं गोल्डन लिक्विड आई शेडो है, मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं आईज़ पे लगा लूँगी। ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। अगर आप भी अगर नाइट, अगर रात में अगर आप पार्टी में किसी जा रहे हैं, या फिर आपको थोड़ा हैवी मेकअप करना है, या फिर अपनी आई को अगर अलग से दिखाना चाहते हैं, तो ये बेस्ट है। मैं इसको बहुत बड़ा वाला लाइक देती हूँ, बहुत ही अच्छा आई शेडो है, तो आप इसको ले सकते हैं। देन मैं इस, ये वेट एंड वाइल्ड का मिनी किट है आई शेडो, तो मैं इसमें से हाइलाइटर गोल्डन शेड लेके, गोल्डन और सिल्वर के बीच का मैं लेके इनके ब्रो बोन को हाईलाइट कर दूंगी, जो कि बहुत ही ज़रूरी लगता है और बहुत ही अच्छा भी लगता है, बहुत ज़रूरी लगता है। मुझे लगता है कि सबको ऐसा करना चाहिए। देन ये मैं ले लूँगी लैक्मी का आईलाइनर, जो कि मेरा फेवरेट है, ऑल टाइम मेरा फेवरेट है। मुझे इसके अलावा मैं कोई आईलाइनर ही नहीं खरीदी हूँ अभी तक, तो ये मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। लिक्विड वाला मुझे जितना इजी लगता है लगाना, उतना मुझे स्केच नहीं लगता है, तो मैं बहुत ही ईजी इसको लगा पाती हूँ और बहुत अच्छे से मुझे लग जाता है मुझसे। और देखिए मैं विंग आईलाइनर इनका लगा दूँगी, आप देख सकते हो वैसे ही। देखिए मैंने दोनों आईज़ पे मैंने मेकअप कर लिया है। देन अब मैं यूज़ करूँगी कलर बार का प्राइमर, जो कि बहुत ही अच्छा है, ऐसा सब लोग बोलते हैं। सच में ये बहुत अच्छा है प्राइमर, सब अच्छे होते हैं, और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए तो जाहिर सी बात है कि हमें प्राइमर तो यूज़ करना ही पड़ेगा, ताकि हमारा जो पोर है वो लॉक हो जाए, ब्लॉक हो जाए, जिससे कि ऑयल सिक्रीट ना हो, तो हमारा मेकअप है जाहिर सी बात है लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो मैंने ये लगा लिया। इनके आईज़ के पास डार्क सर्कल है, तो मैंने लगा दिया है कंसीलर, जहाँ जहाँ मुझे कंसील करने की ज़रूरत पड़ी। अंडर आई मैंने लगा दिया है इनको, आप देख सकते हैं। और मैं ये पुणे स्टोर का ब्यूटी ब्लेंडर है, जो कि ऑल टाइम फेवरेट है मेरा, ये बहुत ही अच्छा है, तो मैं इसे अच्छे से स्मच कर दूंगी। ये मेरा बाल भी मुझे परेशान कर रहा था। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ये मेबलिन फिटमी का है फाउंडेशन, ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है, सब लोग बोलता है ये नॉर्मल टू ऑयली सारे स्किन के लिए ये फाउंडेशन होता है, और बहुत ही अच्छा। इनका शेड है 120, अगर आप इनके शेड के हैं तो मैं बता देती हूँ आपको, 128 है, सॉरी 128 शेड नंबर है, तो आप ले सकते हैं। तो देखिए मैंने अच्छे से लगा दिया है, देन ये मैं फिर से लैक्मी का कॉम्पैक्ट लेके मैं इनके फाउंडेशन को अच्छे से सेट कर लूँगी, ताकि हमारा फाउंडेशन केकी ना रहे।
अब मैं ले लूंगी, कंटूर करूंगी। एलए गर्ल का है ये, तो मैं इनके फेस को कंटूर कर दूंगी। वैसे मुझे नीड नहीं थी, बट मैं इनका पूरा मेकअप करना चाहती थी, तो मैं कर लूंगी कंटूरिंग इनका। ये अभी तक मुंह ऐसे की हुई है। ये मैं ये लिक्विड थोड़ा सा है, तो मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से स्मच करना, मिक्स करना, ब्लेंड करना मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं प्रेफर भी करूँगी, अगर लिक्विड वाला ऐसा है तो आप ब्यूटी ब्लेंडर को ही प्रेफर करिएगा मिक्स करने के लिए, ब्लेंड करने के लिए। तो मैंने इसी से ब्लेंड किया है, आप देख सकते हैं। देन मैं अब ले लूँगी शुगर का कॉन्टोर पाउडर है, तो मैं उससे इसको सेट कर लूँगी, ताकि जो है वो कलर जो हो और अच्छा दिखे। और सेट करने के बाद एक अलग सा ही मैजिक दिखता है। तो मैं यही बोलूँगी कि लिक्विड ऐसे करने के बाद ज़रूर उसको पाउडर से सेट करें, ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है। और अभी तो गर्मी का दिन आने लगा है, तो ऐसा होता है अगर आप पाउडर कंटूर करेंगे तो वो पसीने से बह जाएगा। अगर लिक्विड के बाद उस पर पाउडर करेंगे तो आपका लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो देखिए मैंने अच्छे से इनका कंटूरिंग कर ली है, देख सकते हैं आप लोग, और काफी अच्छा मेकअप लग रहा था। अब मैं इनको बोली कि मुस्कुराइए, तभी तो आपके एप्पल अप चीक आएंगे। तो ये मुस्कुरा रही हैं, तो मैं लगा दूंगी ब्लश। ये ब्लश मैंने उसी मॉर्फी के पैलेट से मैंने ब्लश कलर लिया है, जो कि मुझे पिंक शेड में है। तो मैंने ब्लश इनको लगा दिया है एप्पल ऑफ चीक पे, आप देख सकते हैं। बिना मुस्कुराए तो ये हो ही नहीं सकता है, तो ज़रूरी मुस्कुराना। ये देखिए कैसे मुंह बना रही है। देन अब मैं इसी में से ले लूँगी शुगर के पैलेट से। ये 3 in 1 है शुगर का, इसमें आपको हाइलाइटर मिलता है, ब्लश मिलता है, कंटूर मिलता है। तो मैं इसी में से मैं ले लूँगी हाइलाइटर, और मुझे जहाँ जहाँ लगा मैंने इनको चीक देखी मैंने हाइलाइट कर दिया, नोज़ पे कर दूँगी, और जहाँ जहाँ मुझे लगा। बिना हाइलाइटर का तो मज़ा ही नहीं है भाई, तो हाइलाइटर तो ज़रूरी है। ये मैं ले लूँगी, ये है मेकअप सेटिंग स्प्रे है, तो मैं इनके मेकअप को सेट कर दूँगी। और मैं एक बताना चाहती हूँ इसमें, ये कि जब भी आप मेकअप सेटिंग स्प्रे स्प्रे करें, तो उसके बाद आप स्पंज से लेके, ब्यूटी ब्लेंडर से लेके उसको ऐसे से करें जो आपको जहाँ मेकअप ज़्यादा रहेगा। तो उससे करने से क्या होगा कि एक फ्लॉलेस लुक आएगा। तो मैं बोलूँगी कि आप ऐसा ही करें। तो देखिए मैं डार्लिंग एशाबेला के लिक्विड लिपस्टिक है, जिसका कि कलर बहुत ही प्यारा है। मैंने अपनी पिछले वाली वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे लिपस्टिक के कलर मैंने बताए हैं। अगर आप भी ऑनलाइन लिपस्टिक ले रहे हैं, तो अगर आपको भी ऐसा कभी होता है कि लेना कुछ और था आ गया और आपके लिप पे वो अच्छा नहीं लगा, तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है, तो मेरी जो पिछली वीडियो है आप उसमें जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप देख के आप ले सकते हैं। अच्छे अच्छे सेट का मैंने दिया है रिव्यू, तो आप देख सकते हैं। देन मैं जो मैंने क्रीज बनाया था, मैं वही ले के कलर में इनके आईज़ के नीचे लगा दूंगी, ताकि इससे आई बोल्ड दिखे। तो मैंने पिंक लेके मैंने लगा दे। ये है प्लम का काजल। काजल बिना तो मेकअप अधूरा है, कजरा मोहब्बत वाला। तो बिना काजल के तो दीदार, बिना उसका मेकअप ही अधूरा है। तो ये मैं प्लम का काजल लगा लूंगी। ये मैंने इसमें मस्करा मैंने इनके आईज़ में लगाया था, बट वो वीडियो क्लिप नहीं हो पाया एड, पता नहीं कैसे क्या हुआ मिस हो गया। तो मैं फाइनल लुक आप लोग देख के बताइए मेकअप कैसा लग रहा है, और ये लड़की कैसी लग रही है, पहले कैसे थी और अब कैसी लग रही है, बताइएगा जरूर कमेंट करके कि मेरा मेकअप कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू सो मच, बाय बाय।